तो प्यारे बच्चों, इस वाला ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम से लिंक है। इफ द रोड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज नो बैंकिंग, मतलब नो बैंकिंग का मतलब होता है हॉरिजेंटल रोड, थीटा क्या है, जीरो है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उस प्रीवियस क्वेश्चन में तुम देखोगे तो जो स्पीड थी, कितनी स्पीड से मुड़ रहे थे, 5 मीटर पर सेकेंड से मुड़ रहे थे। रेडियस कितना था बैंकिंग, जब रोड बैंक था तो रेडियस कितना था बोलो, तो रेडियस था 10 मीटर। लेकिन अभी बैंकिंग ना हो, क्या कहानी हो बोलो, हॉरिजेंटल रोड हो, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रोड हो। तो अगर ये हॉरिजेंटल रोड है, ये बैंकिंग नहीं है, ठीक ना, ये रोड हॉरिजेंटल है। तो अगर ये बंदा मुड़ रहा है तो ये इस वाले सर्कल में मुड़ रहा होगा, इस वाले सर्कल में, ठीक है। और इधर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है, जो फ्रिक्शन आएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो फ्रिक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एन, और म्यू एन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी एम जी, और दैट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कैसा आएगा भाई, हॉरिजेंटल है रोड तो नॉर्मल तो ऊपर आएगा, और एम जी किधर जाएगी, तो एम जी जाएगी नीचे, तो एम जी गई नीचे, नॉर्मल गया ऊपर, और ये फ्रिक्शन ही हॉरिजेंटल में एक ही फोर्स आएगा फ्रिक्शन, और वही सेंटीपिटल बन जाएगा या सेंटीपिटल देगा। तो हमें सबको पता है कि यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी स्पीड की वैल्यू, या तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद हो भाई, मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, ठीक है, ये आता है म्यू आर जी अंडर रूट, तो म्यू की वैल्यू निकालो, तो जब स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो यहाँ से भी मैक्स का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आर जी, दैट इज इक्वल टू म्यू। तो वी मैक्स का स्क्वायर भाई कितना, वी मैक्स कितना था बोलो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, और आर की वैल्यू कितनी थी, 10, और ये 10, तो कुल मिला के ये जो आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/4, मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे चैनल के साथ बने रहो प्यारे बच्चों।